हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटेड भारत। आज हम देखने वाले हैं हार्मोन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस। ये किसी भी एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल सके। दोस्तों, मैंने इससे पहले हार्मोन से संबंधित एक ट्रिक अपलोड की है जो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे आप आसानी से याद कर पाएंगे कि हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से निकलते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्लीज़ आप वहां जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको बहुत ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और आज के वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इसका सही आंसर है सी, अग्नाशय या पैनक्रियास। इससे इंसुलिन का निर्माण होता है। देखिए, इंसुलिन क्या करता है हमारी बॉडी में, तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अब देखिए, जो पैनक्रियास होती है, पैनक्रियास के की एक सेल प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो सेल होती है, इससे भी तीन सेल्स निकलती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसकी जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का निर्माण करती है और यही वो इंसुलिन है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय या पैनक्रियास। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ए, लिवर या यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस कहाँ से स्रावित होता है, तो बाइल जूस या पित्त रस ये भी कहाँ से निकलता है? लिवर से निकलता है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति एल्केलाइन या क्षारीय प्रकृति का होता है बाइल जूस। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाइल जूस का स्टोरेज कहाँ पर होता है? तो सही आंसर है पित्ताशय या गाल ब्लेडर में बाइल जूस का स्टोरेज होता है। तो इतने क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर है सी, परावटु हार्मोन। इसका मतलब होता है पैरा थायराइड हार्मोन। देखिए क्या होता है, हमारी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड जो गले में प्रेजेंट है, उसके जस्ट पीछे ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये दो प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रावण करती है या सिक्रेशन करती है। एक तो कहलाता है पैराथायराइड हार्मोन, दूसरा कहलाता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। देखिए, जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है। और जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो इस तरीके से कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है हमारे ब्लड में पैरावटु ग्लैंड या फिर पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? तो उसका सही आंसर है बी, एड्रेनेलिन। देखिए, जो एड्रेनेलिन हार्मोन होता है ये कैसे समय पर निकलता है? जब हमें बहुत डर लग रहा हो, जब बहुत गुस्सा आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें किसी ने किडनैप कर लिया हो या हमें किसी ने गन पॉइंट पर रखा हो, उस टाइम पर जो हमारी सिचुएशन होती है, मतलब हमें पसीना आ रहा होता है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ये सब किसके कारण होता है? एड्रेनेलिन हार्मोन के कारण होता है। और यही रीज़न है कि इसे हम इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो इसका ये भी नाम है, आपको ये भी याद रखना है, इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो या फाइट एंड फ्लाइट। तो देखिए, जब डर की स्थिति या गुस्से की स्थिति बहुत टाइम तक नहीं बनी होती, बस थोड़ी देर के लिए आती है देन चली जाती है, तो लड़ो उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उधर्व या एडम एप्पल्स कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, थायराइड उपास्थि। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है उसका कार्टिलेज ही क्या कहलाता है? एडम एप्पल कहलाता है। ये फीमेल में तो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन मेल में ये बाहर की ओर निकल आता है थोड़ा, इसलिए क्लियर दिखता है। इसे हम क्या कहते हैं? एडम एप्पल कहते हैं। और ये क्या होता है एक्चुअली में? थायराइड की कार्टिलेज या थायराइड उपास्थि होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन श्रावित करने वाली ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ काम आता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे या गर्भावस्था के टाइम पे काम आने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर है ए पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। यह हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, तो देखिए पीयूष ग्रंथि से कई सारे हॉर्मोन्स का स्त्रावण होता है, ये कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है। इसके साथ साथ जो अदर ग्लैंड है, जो अदर ग्लैंड से भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये उनका भी कंट्रोल देखती है। यही रीजन है कि इसे क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये होती तो बहुत छोटी है लेकिन इसके काम बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दोनों बहिश्रावी और अंतःश्रावी के रूप में व्यवहार करता है, तो इसका सही आंसर है बी अग्नाशय या पैनक्रियाज। देखिए बहिश्रावी अंतःश्रावी मतलब एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब ये कैसी ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसमें हमें डक्ट की या नलिका की ज़रूरत होती है, जबकि एंडोक्राइन में हमें किसी डक्ट या नलिका की ज़रूरत नहीं होती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब ये जो अग्नाशय है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ही कार्य करता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से हार्मोन का भी स्त्रावण होता है साथ ही साथ एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है, तो सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट, इंसुलिन एक प्रकार का, तो सही आंसर है ए हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। देखिए इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन कहाँ बनता है, तो सही आंसर है पैनक्रियास या अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर है ए बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया। देखिए इंसुलिन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके साइंटिस्ट का भी नाम पूछा जाता है, तो बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट, ACTH हार्मोन स्त्रावित होता है, तो इसका सही आंसर है सी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये ACTH का पूरा नाम क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, तो इसका पूरा नाम है एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये करता क्या है, देखिए हमारी जो किडनी है उसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इसके दो पार्ट होते हैं, एक अंदर का पार्ट होता है जिसे मेड्यूला कहा जाता है, बाहर का पार्ट होता है जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और ये दोनों ही पार्ट कई सारे हॉर्मोन्स का श्रावण करते हैं। तो इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है इससे निकलने वाले हॉर्मोन्स का कंट्रोल कौन देखता है, तो ACTH। देखिए इसका नाम ही है एड्रिनो कॉर्टिको, मतलब एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलने वाले हॉर्मोन्स का कंट्रोल देखना ACTH का मुख्य कार्य है, और ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, मतलब ADH, तो इसका सही आंसर होगा ए वेसोप्रेसिन। देखिए एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है ये भी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ADH कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। ये किडनी से संबंधित होता है और हमारी बॉडी में जल के कंट्रोल को देखता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर होगा सी अग्नाशय। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा पैनक्रियास या हमारा अग्नाशय होता है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह ही कार्य करता है, मतलब अग्नाशय से हॉर्मोन्स और एंजाइम दोनों का ही सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग पर स्थित होती है, तो इसका सही आंसर है बी मस्तिष्क के आधार पर, मतलब हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ब्रेन के बेस पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, मतलब ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है, तो इसका सही आंसर है बी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है।
एक हार्मोन है जिसका नाम है एसटीएच। ये किसके द्वारा निकलता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलता है। इसका पूरा नाम है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, और यही है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी ग्रोथ से संबंधित है। देखिए, हार्मोन्स ऐसा है, बॉडी में हार्मोन्स का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, इसका रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो हमें इसकी अधिकता चाहिए और ना ही इसकी कमी चाहिए। अगर एसटीएच की अधिकता हो जाती है तो एक रोग होता है जिसे कहा जाता है भीमकायता या एक्रोमिगली रोग, जिसके कारण क्या होता है, हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक रोग होता है, अगर एसटीएच की कमी हो जाए तो उससे होने वाला रोग होता है बौनापन। तो हमारी ग्रोथ का सीधे सीधे संबंध किसके साथ है? एसटीएच या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन के साथ है, जो कहाँ से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। नेक्स्ट, दुग्धजनक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर है डी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन भी प्रेगनेंसी के टाइम पर निकलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्तन ग्रंथि भी दिया है तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है दुग्धजनक या लैक्टोजेनिक हार्मोन, और प्रेगनेंसी के टाइम पर ये रिलीज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो सही आंसर क्या होगा? डी, बीटा कोशिका। मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा अग्नाशय है या हमारा पैनक्रियास है, उसकी एक सेल होती है जिसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसकी भी तीन सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो बीटा सेल है, इससे रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, सही आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह नामक रोग हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाएगा? डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है बी, अवटू या थायराइड ग्लैंड। देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? इंग्लिश के अल्फाबेट एच के समान कौन सी ग्रंथि होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, TSH। जो TSH हार्मोन है, इसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस देखिए, ये कहाँ से स्रावित होता है, कई बार पूछा जाता है और हमें कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम थायराइड देख लेते हैं तो हमें लगता है कि ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, बट नहीं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करता है या स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो सही आंसर है डी, थायराइड ग्लैंड। देखिए, हमारे गले में जो एच आकार की ग्रंथि प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और इसकी कमी से, अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए हमारे अंदर, ये रिलीज़ क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करती है थायराइड ग्लैंड। अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? गॉइटर रोग या घेंघा रोग। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसमें सूजन आ जाती है, और इस सूजन के कारण गला बाहर की ओर निकल आता है, ये रोग होता है गॉइटर। और ये किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की। और थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडमा होता है? तो सही आंसर होगा डी, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है, अगर थायरोक्सिन की कमी से, थायराइड ग्लैंड किसका निर्माण करती है, कौन से हार्मोन का? तो थायरोक्सिन का। तो थायरोक्सिन की कमी से सिर्फ घेंघा रोग नहीं होता, कई सारे रोग होते हैं, उन्हीं में से एक रोग होता है मिक्सीडमा। इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, श्वसन दर सब कैसी हो जाती हैं? कम हो जाती है, इनमें गिरावट आ जाती है। ये कौन सा रोग है? मिक्सीडमा रोग है। और ये किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। तो सही आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। एक प्रोटीन है जो किसकी तरह? हार्मोन की तरह कार्य करता है। और ये कब यूजफुल होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे यूजफुल होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो इसका सही आंसर है ए, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट होता है। कहाँ से निकलता है ये? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में प्रेजेंट है और इसके लिए बहुत ज़रूरी क्या होता है? आयोडीन। और इसकी कमी हो जाए तो कई सारे रोग होते हैं, उन्हीं में से एक फेमस रोग कौन सा है? घेंगा या गॉइटर। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ए, थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है, मतलब हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कहाँ से निकलता है थायरोक्सिन? थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ए, अधिभ्रक या एड्रिनल ग्लैंड। ये रक्तदाब या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, तो याद रखना है सही आंसर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है ए, एड्रिनल। अभी मैंने आपको बताया एक हार्मोन के बारे में जिसका नाम क्या है, एड्रिनल हार्मोन। वो कहाँ से निकलता है? देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर प्रेजेंट ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स होता है अंदर का भाग मेड्यूला और बाहर का भाग कॉर्टेक्स होता है। तो इसके मेड्यूला पार्ट से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कहा जाता है एड्रिनल हार्मोन। तो आपको याद रखना है एड्रिनल हार्मोन कहाँ से निकलता है? मेड्यूला पार्ट से निकलता है। इसे हम क्या कहते हैं? एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ इसका नाम क्या होता है? जीवन रक्षक हार्मोन भी होता है। मैंने आपको वो स्थिति क्या बताई जब हम डर रहे हों, हमें गुस्सा आ रहा हो, लेकिन वही स्थिति होती है जब हमारे अंदर हिम्मत भी आती है, हमारे अंदर शक्ति भी आती है। किस चीज़ की? हमारे जीवन के रक्षा करने की। कैसे? अगर हमें किसी ने किडनैप किया है तो हमारे अंदर उस टाइम पे हिम्मत भी होती है कि हम उसे धक्का दे दें या उसे कैसे भी चोट पहुंचा के वहां से भाग जाएं। ये सारी हिम्मत हमें कहां से मिलती है? एड्रिनल हार्मोन के द्वारा मिलती है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। और ये कहाँ से स्त्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से ही स्त्रावित होता है, एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला पार्ट से सिक्रेट होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का ताप स्थाई स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है डी, हाइपोथैलेमस में। देखिए, मानव शरीर का ताप स्थाई मतलब कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो स्टेट लगा होता है थर्मोस्टेट, वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है हमारी बॉडी में। इवन हमें जब बुखार भी आना होता है, फीवर भी आना होता है, तो इसका कंट्रोल कौन देखता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड देखता है। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए होता है, इसीलिए इसे ताप स्थाई या थर्मोस्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है सी, नेत्र गुहा में अश्रु ग्रंथि स्थित होती है। अश्रु ग्रंथि कौन सी होती है? लैक्रिमल ग्लैंड, जिससे आंसू का श्रावण होता है, आंसुओं का श्रावण होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? नेत्र गुहा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी, मतलब कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों ही फीमेल हार्मोन है, जबकि ये जो थर्ड दिया है ये एक मेल हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो उसका सही आंसर है सी, अंडाशय। अंडाशय या ओवरी सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होती है, ये मेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय या ओवरी। नेक्स्ट, यहाँ नर हार्मोन है, तो सही आंसर होगा सी, टेस्टोस्टेरॉन। देखिए, ये फीमेल हार्मोन है, ये भी फीमेल हार्मोन है, ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ बचता है टेस्टोस्टेरॉन, जो क्या है? एक मेल हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एथिलीन। एथिलीन या एथाइलीन जो होता है ये एक गैसीय हार्मोन होता है, ये प्लांट में प्रेजेंट होता है और फलों को पकने में मदद करता है। तो ये आपको याद रखना है गैसीय हार्मोन कौन सा है, तो सही आंसर होगा इथाइलीन। नेक्स्ट, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताइए जो फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है, तो सही आंसर क्या होगा? इथाइलीन, जो क्या करता है? फलों के पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कैसा है? एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूलों के खिलने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है सी, फ्लोरीजन। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्लोरीजन, तो इसका काम क्या है? फ्लावर को खिलने में हेल्प करना। फ्लोरीजन का काम क्या है? फ्लावर को खिलने में हेल्प करना। पर ये बनता कहाँ है? तो ये बनता है पत्तियों में, लेकिन काम क्या करता है? फूलों को खिलाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे फ्लावरिंग हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट,
कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं में बनता है जिसके द्वारा पौधों की चोट ठीक हो जाती है? तो सही आंसर है बी, ट्रोमेटिक। देखिए, जो ट्रोमेटिक हार्मोन है, जब भी किसी प्लांट में अगर घाव हो जाता है, प्लांट को चोट लग जाती है, तो उस टाइम पे रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा है? ट्रोमेटिक हार्मोन है, जो इस चोट को ठीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है बी, साइटोकाइनिन। देखिए, साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, पहले तो वो ऑक्सीन की उपस्थिति में कार्य करता है, ये भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सीन की प्रेजेंस में कार्य करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। अब ये करता क्या है? ये सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन और विकास, है ना, सेल डिवीजन एंड डेवलपमेंट का कार्य कौन देखता है? तो सही आंसर होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने की है? तो मिलर नामक साइंटिस्ट ने। किसने? मिलर नामक साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन की खोज की है। नेक्स्ट, वह हार्मोन जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, एब्सिसिक एसिड। देखिए, अगर मैं आपको प्लांट हार्मोन के बारे में बताऊं, तो जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है, प्रमोटर और इनहिबिटर। तो प्रमोटर में किसका नाम आता है? तो इसे हम याद करते हैं जी ए सी से, मतलब जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइन। ये तीनों आपको कहीं भी दिखाई दे तो इसका ये मतलब है कि ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, मतलब वृद्धि को बढ़ाएंगे। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर में नाम आता है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम एबीए कहते हैं, और साथ ही साथ इथाइलिन। ये दोनों ही कैसे होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब ग्रोथ को रोकने का कार्य ये करते हैं किसी भी तरीके से। तो जहाँ भी आपको ये दिखाई दे तो आप पहचान सकते हैं कौन से ग्रोथ प्रमोटर हैं और कौन से ग्रोथ इनहिबिटर हैं। तो हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है, मतलब बीजों को बढ़ने नहीं देता है, उसको रेस्टिंग पीरियड में पड़े रहने देता है। तो ये काम कौन कर सकता है? ग्रोथ इनहिबिटर ही कर सकता है। तो वो कौन सा है? सी, एब्सिसिक एसिड, जो एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ये बीजों को सुप्त अवस्था में या रेस्टिंग पीरियड में बने रहने देता है, उसे ग्रो करने नहीं देता है। नेक्स्ट, वहाँ हार्मोन कौन सा है जो बौने पौधे के विकास में सहायक है? तो इसका सही आंसर है ए, जिब्रेलिन। देखिए, अब भी हमने पढ़ा कि जिब्रेलिन क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है, वो कैसे भी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, मतलब वृद्धि को बढ़ाएगा। तो अगर कोई प्लांट बौना रह गया है तो उसके विकास के लिए सबसे सहायक कौन सा होता है? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। इसके साइंटिस्ट कौन है? तो कुरोसाबा। कुरोसाबा नामक साइंटिस्ट ने जिब्रेलिन की खोज की है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो बौने पौधे के विकास वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका सही आंसर क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, कैल्सीटोनिन। मैंने अभी आपको बताया था कि पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है, पैराथायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे प्रेजेंट होती है, इससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक तो पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा कैल्सीटोनिन हार्मोन। जो पैराथायराइड हार्मोन है, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है तो पीटीएच या फिर पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, जबकि ब्लड में कैल्शियम की अधिकता हो जाने पर कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कैल्शियम की मात्रा की अधिकता हो जाना, तो सही आंसर क्या होगा? कैल्सीटोनिन हो जाएगा। नेक्स्ट, जड़ मानवता रोग किन में होता है? जड़ मानवता का मतलब होता है क्रेटिनिज्म। ये एक रोग है, ये रोग होता है बच्चों में। ये रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। देखिए क्या होता है, जब जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उससे निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ये रोग होता है, जिसका नाम क्या है? क्रेटिनिज्म या जड़ मानवता रोग। ये बच्चों में होने वाला है, और बच्चे इस रोग के कारण जो बच्चे होते हैं वो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बी, कॉर्टिसोल। क्या नाम है इसका? कॉर्टिसोल। देखिए, मैंने आपको बताया था, तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है, उससे कई सारे हार्मोन का स्त्रावण होता है। कौन से हार्मोन से वो? तो इसे हम याद करते हैं एक ट्रिक से, जिसे कहा जाता है गम। देखिए, ये जो ट्रिक है, मैंने आपको ऑलरेडी लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ट्रिक पे जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें जो गम ट्रिक है, इसमें जो जी है, इसका क्या नाम है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉर्टिसोल होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी,
ACTH, हमने देखा है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनका कंट्रोल कौन देखता है? ACTH, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, मतलब एड्रिनल कॉर्टिको, एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग से निकलने वाले हॉर्मोन्स का कंट्रोल देखना ACTH का कार्य है। और ACTH कहाँ से रिलीज होता है? तो पीयूष ग्रंथि से रिलीज होता है। नेक्स्ट, थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाला रोग है, तो इसका सही आंसर है बी, टॉक्सिक गॉइटर। देखिए जो टॉक्सिक गॉइटर है, अगर थायरोक्सिन की अधिकता हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है उसकी अधिकता हो जाती है, तो उसके कारण एक रोग होता है जिसका नाम है टॉक्सिक गॉइटर। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, श्वसन दर, ये सभी बढ़ जाती है। ठीक है, इनकी अधिकता हो जाती है या ये सब बढ़ जाती हैं, ये किस में होता है? एक रोग है जिसका नाम है टॉक्सिक गॉइटर, होता किससे है? थायरोक्सिन की अधिकता से होने वाला। अभी तक हमने जो रोग देखे वो क्या थे? वो थायरोक्सिन की कमी से होने वाले थे, लेकिन ये रोग कैसा है? थायरोक्सिन की अधिकता से होता है। देखिए बाकी सारे, देखिए गॉइटर ये भी कमी से होता है, मिक्सीडमा भी थायरोक्सिन की कमी से होता है, जड़ मानवता भी थायरोक्सिन की कमी से होता है। तो सिर्फ एक रोग है टॉक्सिक गॉइटर जो थायरोक्सिन की अधिकता से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से नहीं निकलता? देखिए मैंने अब भी आपको ट्रिक बताई है, गम, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स की ट्रिक है। तो इसमें जी का मतलब होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ए का मतलब होता है एंड्रोजन, और एम का मतलब होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ये तीनों ही कॉर्टेक्स से निकलते हैं। तो कौन सा बचता है? सिर्फ एक हार्मोन जिसे कहा जाता है इपिनेफ्रिन। ये कहाँ से निकलता है? ये एड्रिनल के मेड्यूला भाग से निकलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इपिनेफ्रिन, क्योंकि ये कहाँ से निकलता है? मेड्यूला से निकलता है। और बाकी सारे कहाँ से निकल रहे हैं? तो बाकी सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है डी, डार्विन ने। देखिए ऑक्सिन क्या है? प्लांट हार्मोन है और प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्लांट का ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। देखिए क्या होता है, ये प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इधर अगर हम जड़ की बात करें तो ये जड़ की टिप पर भी प्रेजेंट रहता है और ये जड़ों को नीचे की तरफ बढ़ाता है, जबकि प्लांट को ऊपर की तरफ, मतलब प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी खोज किसने की है? डार्विन नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन हार्मोन का आविष्कार किसने किया? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका सही आंसर है बी, मिलर। साइटोकाइनिन हार्मोन जो प्लांट में सेल डिवीजन और डेवलपमेंट का कार्य करता है, मतलब कोशिका विभाजन और विकास का कार्य करता है, किसके साथ मिलकर? ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर। इसकी खोज किसने की है? मिलर नामक साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज की है। नेक्स्ट, भीमकायता रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो इसका सही आंसर है डी, एसटीएच। मैंने अभी आपको बताया था एसटीएच हार्मोन हमारा वृद्धि हार्मोन है, निकलता कहाँ से है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। इसका पूरा नाम क्या है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। देखिए ये हमारा वृद्धि हार्मोन है, मतलब हमारी हाइट को कंट्रोल करता है। अगर इसकी अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी में तो भीमकायता रोग हो जाता है। जाइगेटिज्म या एक्रोमिगली या भीमकायता, ये रोग किसके द्वारा? एसटीएच की अधिकता के कारण हो जाता है। अगर एसटीएच की कमी के कारण पूछा जाए तो क्या होता है? बौनापन या डाफिज्म नामक रोग इसकी कमी से हो जाता है। ठीक है, आपको दोनों ही रोग याद रखना है, अधिकता से भीमकायता और कमी से बौनापन या डाफिज्म। नेक्स्ट, सेरोटोनिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है बी, पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। देखिए पीनियल ग्लैंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि हमारा तीसरा नेत्र किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो तीसरा नेत्र कभी भी आपसे पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। अब देखिए जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है ये क्या करती है? दो प्रकार के हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करती है, एक तो होता है सेरोटोनिन और दूसरा होता है मेलाटोनिन। तो इसमें से जो सेरोटोनिन है इसे कहा जाता है हैप्पी हार्मोन। अगर हम खुश हैं, हमारी जो खुशी है वो दिखाने वाला हार्मोन कौन सा होता है?
सेराटोनिन होता है, इसे एंटी डिप्रेशन हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम है, इस नाम से ही पूछा जाता है ये हैप्पी हार्मोन किसे कहा जाता है या एंटी डिप्रेशन हार्मोन किसे कहा जाता है। तो सेराटोनिन को कहा जाता है, और ये रिलीज़ कहाँ से होता है, तो पीनियल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसके साथ साथ होता है एक और हार्मोन जिसे कहा जाता है मेलाटोनिन, ये भी पीनियल ग्लैंड से ही स्रावित होता है। इसका काम होता है हमारी नींद को कंट्रोल करना, हमारा जो सर्केडियन लय है या सर्केडियन रिदम है, मतलब हमारी नींद। सुबह के टाइम पर हम बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे जैसे शाम होने लगती है हम इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका मेन कारण क्या होता है, ये एक चक्र होता है, ठीक है। इसका कंट्रोल कौन देखता है, मेलाटोनिन देखता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारी नींद का कंट्रोल किस हार्मोन के पास है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेलाटोनिन। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये भी पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वृद्धि प्रोत्साहक हार्मोन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एब्सिसिक एसिड। मैंने अभी आपको बताया प्लांट हार्मोन में वृद्धि प्रोत्साहक यानी कि ग्रोथ प्रमोटर, तो ग्रोथ प्रमोटर में हमें याद करना है GAC, और ग्रोथ इनिबिटर में हमें याद करना है ABA और एथिलीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए GAC जिब्रेलिन तो ग्रोथ प्रमोटर है, ऑक्सिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ प्रमोटर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को रोकने का कार्य करता है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको डेली मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।